क्या रेट है सोनों में? 32,400 चांदी 40,000। आज के दिन में गणेश लक्ष्मी की चांदी की मूर्तियां लोग ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि अच्छा मुहूर्त होता है और उसको ले जाकर के घर में उसकी पूजा करना। तो आज के दिन में एक तो वो और दूसरा सिक्का, चांदी के सिक्के, इसमें कई मिलावटी सिक्के भी आ रहे हैं लगातार, और इसमें पुराना सिक्का जो आ रहा है विक्टोरिया वाला उसमें भी तमाम मिलावटी चीज़ें आ रही हैं। तो बहुत ही सोच समझ के दुकानदार भी खरीद रहा है जहाँ से ला रहा है और ग्राहक भी सोच समझ के खरीद रहा है क्योंकि लगातार पेपरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोग जनहित में सूचना तो देते ही देते हैं, उससे अब ग्राहक पहले से जागरूक हो चुका है। वो खरीदने के पहले कई बार देखता है, पूछता है, जानकारी लेता है। नोटबंदी के बाद से तो सत्यता यही है कि बाजार जो है पहले से टूट चुका है और जो मार उसके बाद GST ने कर दी तो उसके व्यापारी आधा और टूट गया। तो अब कहीं ना कहीं व्यापार पहले से ज़्यादा प्रभावित है और लगातार कमियाँ व्यापारिक क्षेत्र में और जो नए नए नियम लागू कर रहे हैं तो व्यापारी को मिला के लगातार पहले भी परेशानियाँ झेलता आ रहा है और आज उसको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए तो कुछ ना कहीं कहीं चिंतित है ही वो, क्योंकि पहले से उसके खर्चे तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार उनमें किसी न किसी प्रकार का और तरह तरह के नियम लागू कर दिए तो उसमें खर्चे भी उसके ज़्यादा बढ़ गए और उसकी कमाई के साधन जब कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे तो फिर वो परेशान होगा ही होगा और निश्चित रूप से उसको उसकी सोचने का एक विषय बन जाएगा। देखिए सुबह जो हमारे पास में दुकानदार, हमारे पास और अन्य जगह दुकानदारों के पास में जो भी भीड़ रही, तो मैंने मार्केट का एक अपने लड़के भेज करके पता भी कराया तो मालूम पड़ा कि ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति सुबह आ गया है और वो परचेजिंग अच्छी करके गया है। इलेक्ट्रॉनिक के पूरे सामान है, बाजार में अच्छी भीड़ है और अच्छी रौनक है, लोग क्या आ रहे हैं, कस्टमर का ठहराव नहीं रहता, आया गया और चला गया, आना जाना लगा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक ये है जैसे अपनी ये हो गई, बुखार हो गए, बीबिया हो गए, सीढ़ी वगैरह हो गए, इस सब कहीं गए।